ब्लाइंड फेथ वर्सेस प्योर फेथ, यानी कि अंधभक्ति वर्सेस प्योर भक्ति। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरान एंटरटेनमेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ एक नया हॉरर शो जिसका नाम है मिडनाइट मास। इसे लिखा है और डायरेक्ट किया है माइक फ्लैनेगन ने, जिन्होंने इससे पहले नेटफ्लिक्स पर ही द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस और द हॉन्टिंग ऑफ ब्लेयर मैनर को क्रिएट किया था। और ये दोनों शोज नेटफ्लिक्स के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल हॉरर शोज में से एक है। तो अगर आप लोगों ने उन शोज को देखा तो डेफिनेटली आप लोग द मिडनाइट मास को भी चेकआउट करोगे। लेकिन क्यों करोगे वो मैं आपको बताता हूँ, क्यों नहीं करोगे वो भी मैं आपको बताता हूँ, तो आप टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। खैर, बात करेंगे मिडनाइट मास की, तो इसमें टोटल आपको 7 एपिसोड देखने मिलेंगे, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 1 घंटे के है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिल जाता है। शो की कहानी की शुरुआत होती है रायली से, जो कि एक ड्राइवर है। अब इनके वजह से एक लड़की की हो जाती है डेथ, और इस वजह से रायली को 4 साल की सजा हो जाती है। सजा कंप्लीट होने के बाद रायली अपने होम टाउन यानी कि क्रॉकेट आइलैंड जाता है, जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 127 है। अब ऐसे में उस आइलैंड के लोग किसी तरह से जी रहे थे, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता जब वहां पर एक नए प्रीस्ट की होती है एंट्री, यानी कि एक नए चर्च के फादर की होती है एंट्री। अब उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। खैर, अगर शो के कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो देखो, माइक फ्लैनेगन जो कि इसके क्रिएटर है, उनका हॉरर जॉनर को बताने का नजरिया वो बिल्कुल भी ज्यादा अलग है। वो क्रीपी सीन्स और जंप स्केयर पर इतना ज्यादा बिलीव नहीं करते, वो अपने कैरेक्टर्स और स्टोरी पर ज्यादा विश्वास रखते हैं। और उनके हर शो में आपको जो कैरेक्टर डेवलपमेंट या कह सकते जो जो मल्टीपल कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं ना, और हर एक कैरेक्टर से वो इतनी अच्छी तरह से काम कर रहा है, तो ऐसा लगता है कि मानो हर एक कैरेक्टर आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। और वही चीज़ आपको इस पर्टिकुलर शो में भी फील हो सकता है, लेकिन उस वजह से शो की जो एक पेसिंग है वो स्लो हो जाती है, और मैक्सिमम ऑडियंस को उनके शो स्लो लगते हैं। लेकिन जैसे शराब पीने के बाद वो जो नशा थोड़ी थोड़ा 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 आता है ना, तो वैसे उनके शोज में भी एपिसोड्स प्रोग्रेस करते ना, वैसे वैसे उसमें इंटरेस्ट आता रहता है। और वो चीज़ आपको यहाँ पर भी महसूस होगी, ऑल द ये शो बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल लगा मुझे। आफ्टर 3rd एपिसोड इट हैज़ बिकम प्रेडिक्टेबल, और उसके बाद बस मैं शो इस वजह से देख रहा था क्योंकि प्रेडिक्टेबिलिटी होने के बावजूद भी शो का जो वो इंटरेस्ट है, जो वो पकड़ है, वो बनाए रखा था। और वो चीज़ मुझे माइक फ्लैनेगन की इस पर्टिकुलर शो से बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। ऑल दो ये शो अगर आप कंपेयर करो, मैं वैसे कंपैरिजन पे बिलीव नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर आप लोग हिल हाउस और ब्लेयर मैनर से कंपेयर करो तो ये लेवल का शो नहीं लगा। और इसमें जो चीज़ें बताई आपने इससे पहले कई मूवीज और शोज में देखे हॉलीवुड की, तो अब यहाँ पर मैं आपको स्पॉयलर नहीं दे रहा, लेकिन आपको एक हिंट दे रहा हूँ। शो की सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो हर एक सीन को बहुत अच्छी तरह शूट किया, और जिस जगह पे ये शो पिक्चराइज किया वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है, और सेम टाइम वो बहुत ज़्यादा डरावना भी लगता है। और वो जो आर्ट डायरेक्शन था कमाल है, और शो में जो VFX और जिस तरीके से प्रोस्थेटिक चीज़ों की यूज़ किया गया बहुत ही शानदार लगा मुझे। क्योंकि अगर BGM की बात करो तो माइक फ्लैनेगन का अपना जो एक टच है वो आप लोग इसके BGM के थ्रू महसूस कर सकते हो, वो अपने आप गूज़बम्प्स आते हैं, और वो एक पर्टिकुलर सीन को एक अलग ही लेवल पे लेके जाता है। और यहाँ पर भी वो जो वॉइस ओवर होता है पीछे जो बैकग्राउंड में, या जो वोकल आर्टिस्ट लोग के वो जो सॉन्ग्स बजता है, क्या ही मैं बोलूँ भाई। शो में अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात को तो हर एक एक्टर ने अपने हिस्से के रोल को बहुत अच्छी तरह से किया, लेकिन यहाँ पर अगर किसी ने आपका अटेंशन खींचा है तो वो है यहाँ के प्रिस्ट। जिस एक्टर ने यहाँ पर प्रिस्ट का परफॉर्मेंस किया, क्या परफॉर्मेंस था, मजा आ गया। उसके अलावा डायरेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन शो में मेरे ख्याल से अगर लिमिटेड सीरीज है तो 7 एपिसोड के बदले अगर इसमें 6 एपिसोड होते या 5 होते और यही प्लॉट होता तो वो ज़्यादा अच्छा होता। ओवरऑल देखा है तो शो को माइक फ्लैनेगन ने एक अपना अलग टच दिया, और यहाँ पर जो रिलीजियस को लेकर उन्होंने यहाँ पर चीज़ें बताई है वो काफ़ी हद तक मुझे अच्छी लगी। मतलब एक उनका नज़रिया देखा इस पर्टिकुलर शो में इस सारी चीज़ों को लेकर, तो वो काफ़ी ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगा। बाकी सबका मुझे पता नहीं। अगर पेरेंटल गाइडेंस की बात करो तो शो में आपको कुछ भी अश्लील सीन्स देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि इससे पहले जितने भी शोज उन्होंने बनाए उसमें अश्लील सीन्स थे, लेकिन इसमें एक भी नहीं है। फिर भी आप इसको घर में बैठ के नहीं देख सकते, क्योंकि वो कुछ वॉयलेंस वाले सीन्स है जो आप लोग शो में देखोगे तो पता चल जाएगा, लेकिन वो भी इतने नहीं, लेकिन है, इस वजह से घर पे मत देखना, एडल्ट हो तो ही देखना। मैं इस पर्टिकुलर शो को रेटिंग दूंगा 7.2 out of 10। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अगर आप लोगों ने अभी तक ये शो देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये शो कैसा लगा, वो भी जरूर बताना, क्योंकि उससे फायदा ये होता है कि जिन लोगों को मेरे रिव्यूज पे भरोसा नहीं, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग पेड रिव्यूज करते हैं, बहुत सारे ऐसे चूल हो गए जो शोज को देखते भी नहीं है, क्योंकि 7 घंटा देखना
हलवा नहीं है, हर किसी की बस की बात नहीं है, वो सिर्फ वही लोग कर सकते जो पैशनेट है किसी चीज को लेकर। तो इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों ने शो देखा है तो ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करना कमेंट सेक्शन में, यहाँ तक वीडियो देखा तो डेफिनेटली आप लोग शेयर करोगे। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।